ये गोल्डन रिट्रीवर का जो हम दिखाया ऊपर में, उसका सब बेबी हुआ है देखो। हेलो सब सब कैसे आप सबके लिए और एक नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज आ गए हैं बेलानगर हावड़ा के एक बहुत अच्छे डॉग केनल में। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉग का कलेक्शन है और बहुत सारा पपी है, तो वो सब कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उससे पहले यहाँ का जो ओनर भैया है, ओनर भैया को बुला लेते हैं और यहाँ के बारे में पूरा जान लेते हैं। दोस्तों ओनर भैया आ गए, चलिए परिचय कर लेते हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? तन्मय दे। अच्छा, आपके पास क्या क्या ब्रीड है? मेरे पास लैब्राडोर है, अलास्कन मैलमीट है, गोल्डन रिट्रीवर है, ब्रीगल है और सिरजू है। अच्छा, तो अभी पपी अवेलेबल है आपके पास? अभी अवेलेबल गोल्डन रिट्रीवर अवेलेबल है। अच्छा, कुछ दिन पहले सिरजू का हुआ था, वो तो भी अवेलेबल तो था, वो सब सेल हो गया। और अभी गोल्डन रिट्रीवर अभी रेडी हो रहा है। अच्छा, वो 29 डेज है आज। अच्छा, तो आपका एड्रेस थोड़ा बता दीजिए। बिलानगर स्टेशन कॉर्ड लाइन, हावड़ा से बिलानगर स्टेशन कॉर्ड लाइन, उस वहाँ पे उतर के अभयनगर बाजार। अच्छा, यहाँ आके ले सकता है तो? हाँ हाँ, यहाँ डिलीवरी अवेलेबल है? डिलीवरी बोलेगा तो हम डिलीवरी कर देगा। तो आपका नंबर दे दीजिए। 8910757520। तो चलिए आपका जो कलेक्शन है देख लेते हैं। हाँ ठीक है। ये वाला ब्रीगल ब्रीड है, इसका उम्र 4 बछर है, 4 साल, 4 साल है। ठीक है, तो इसका मेल ही है? फीमेल है? ये फीमेल है, फीमेल सब है। अच्छा, सभी हमारे पास फीमेल है और दो तो मेल है, वो लैब्राडोर मेल है और एक तो अलास्कन मैलमीट, वो भी मेल है। अच्छा, वो अभी यहाँ पे नहीं है इस गर्मी के लिए। मेरा बाड़ी में घर में कुछ काम था, उसीलिए हम दूसरा जगह में रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो मेटिंग पर्पस रखा हुआ है। हाँ, इसका पपी हुआ था? हाँ, इसका भी हुआ था। कितना नंबर पपी होता है इसका? इसका हम तो दो साल बाद इसका लिया था। अच्छा अच्छा, अभी इसका उम्र 4 साल हुआ। इसका 3 बार पपी हुआ था। 3 बार? 3 बार। क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं। तो इसका पपी ये कब, सो भी कब किया तक अवेलेबल होगा? और 6 मंथ बाद होगा। ये सो किया है? हाँ, ये शो किया है। ये कोन्नगर पेट शो में भी शो किया है और लिलुआ में किया है, मध्यम ग्राम में किया है। बहुत अच्छा क्वालिटी है। ठीक है, और दूसरा डॉग देख लेते हैं। ये वाला गोल्डन रिट्रीवर फीमेल है। अच्छा। और ये यूरोपियन ब्लड लाइन है। यूरोपियन है? हाँ। और इसका एक बार हम बेबी लिया हुआ था। अभी इसका एज कितना है? इसका एज 2.5 ईयर है इसका एज। हाँ। अच्छा, तो इसका एक बार बेबी हुआ था और 6 मंथ बाद हम लेगा। अच्छा, तो भैया ऐसा क्वालिटी का अगर कोई पपी मंगे तो? हाँ, हम दे सकते हैं। हाँ, कलेक्शन करके दे सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, कलेक्शन करके हम आपको दे देगा। ठीक है, मेरे हाथ में भी तो डिलीवरी होता है, हम तो वही काम वो करता है, तो उसीलिए हम हो जाएगा उसका। तो भैया बीगल पपी का कैसा प्राइस होता है, मतलब मिनिमम प्राइस? मिनिमम 18,000 में हो जाएगा। मिनिमम 18,000। और गोल्डन रिट्रीवर? गोल्डन रिट्रीवर मिनिमम देखिए, तो क्वालिटी जैसा लेगा हाँ। तो वैसा ही होगा, मिनिमम 16-17 में हो जाएगा। 16-17 फीमेल? फीमेल मेल बोथ, जैसा क्वालिटी होगा वैसा ही तो होगा ना। 5,000 में भी लैब मिलता है, 10,000 में भी लैब मिलता है, 4 लाख में भी लैब मिलता है, सभी तो लैब ही है। क्वालिटी, लेकिन क्वालिटी, हाँ जैसा क्वालिटी लेगा वैसा ही रेट होगा। ठीक है, इसका नाम है डिंग डोंग। डिंग डोंग? हाँ, ये वाला फीमेल है। अच्छा। हाँ, इसका उम्र है 6 महीना। 6 महीना? अभी बच्चा है? अभी छोटा है, इसीलिए बात नहीं सुनता है, है? तो टाइम लगेगा सुनने में। हाँ हाँ, ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ है? हाँ, ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ है। और इसका एंगुलेशन भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग है। ठीक है, इसका ट्रेनिंग
बहुत अच्छा है। चलो ये हमारा वाइफ है प्यासा दे, ठीक है, आपको बोलेगा इसका बारे में, ठीक है, इसका उम्र 12 साल, ये सब आपको डिटेल्स बोलेगा। बोलुन হচ্ছে জেডো এ হচ্ছে ল্যাব ব্ল্যাক কালারের আর এর বয়স হচ্ছে 12 বছর 12 সাল এসকে আছে হ্যাঁ এই মোটামুটি বাড়ি সব মানে সবার কথা বুঝতে পারে আর এই সব পুরো এ মানুষে একটা মানে পুরো বাত শুনতে সব হ্যাঁ এ মানে সব মানে ইশারাও বুঝে যাবে আচ্ছা এর হচ্ছে 4 বছর আগে প্যারালাইজ হয়েছিল 48 দিন মতন বা 58 দিন 48 দিন মতন এই আর কি প্যারালাইজ ছিল মানে একদম সোয়া ছিল আর বিমার থা হ্যাঁ আর তারপর একে অনেক অনেকেই বলেছিল যে আর কি ডিস্টেম্পার হয়েছে এরকম কিছু তখন অভিজ্ঞ মানে ডক্টর যে অমলেন্দু চক্রবর্তী ওনার কাছে গিয়ে তারপর আমাদের এ আর কি ঠিক হয়েছে ঠিক হয়েছে আচ্ছা এখনো পর্যন্ত এরকমই রয়েছে আর সব দাঁত গুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে দাঁত দেখো দাঁত দেখো দাঁত দেখো বন্ধ করো ঠিক করে বন্ধ করে এই যে সব দাঁতগুলো ক্ষয়ে গেছে আপনি আপনি লোক এক সিজু ফিমেল দিখাতে হ্যাঁ তো বলি ইসকে বারে মে কুছ বাতাইয়ে ভাইয়া এ ইসকা নাম অ্যান্ডি হ্যায় ক্যান্ডি হ্যায় ইসকা নাম ক্যান্ডি ক্যান্ডি ইসকা দো বার বেবি হুয়া থা ঠিক হ্যায় তো কুছ দিন পহলে ইসকা বেবি হুয়া থা এ দেখিয়ে নিপিল ঠিক হ্যায় ও ওয়ালা বেবি সব নিকল গই হ্যাঁ আবি ইসকা 6 মাস বাদ ইসকো ইন্তজার করনা পড়েগা জো পাপি লেগা কোয়ালিটি তো বহুত হি আচ্ছা লাগ রহা হ্যায় কোয়ালিটি আচ্ছা হোতা হ্যায় হাম জো ডগ সে মেটিং করা থা তো ও বালা ভি সো কোয়ালিটি কা হি হ্যায় আচ্ছা ঠিক হ্যায় মানে পাপি কা কোয়ালিটি ভি আচ্ছা হোতা হ্যায় আর এ লকডাউন মে এ লিয়া হুয়া থা দো সাল ইসকা দো সাল নেহি হুয়া আবি হোগা তো লকডাউন মে লিয়া থা সো পো সব বন্ধ থা আচ্ছা আবি সো শুরু হুয়া হ্যায় তো हम सोचा था इसको भी शो में पार्टिसिपेट करना हाँ। तो इसका तो नहीं हुआ चांसेस नहीं भैया सब लोग कहते हैं कि सीचू को बहुत सारा ग्रूमिंग करना पड़ता है मतलब हाँ, हेयर काटना पड़ता है हाँ, ये बात सच्ची है अच्छा इतना सुनिए हमका जो वेस्ट बंगाल में जी जैसा वेदर चल रहा है हाँ। ऐसा में तो ग्रूमिंग करना ही पड़ेगा हाँ, और एसी में है और एसी में सीचू बहुत सारा लोम होता है इसका बहुत बाल होता है इसीलिए इसको ग्रूमिंग करना ही पड़ेगा नहीं तो इसका अंदर जॉट आ जाएगा पूरा हाँ। लोम ये हो जाएगा हाँ इसका देखिए गर्मी भी इसका ज़्यादा होता है देखिए इसका कोई भी नहीं है पूरा एकदम फ्रेश है फ्रेश है पूरा फ्रेश लोम है देखिए ठीक है तो ग्रूमिंग तो करना ही पड़ेगा अच्छा ऐसा सिज्जू का पापी कितना पड़ेगा प्राइस सिज्जू का पापी 30 से 35 ऐसे ही मिलेगा अच्छा क्वालिटी हाँ बहुत अच्छा क्वालिटी होगा अच्छा 30-35 में हो जाएगा मतलब सो क्वालिटी सो क्वालिटी तो होगा और पेट क्वालिटी में मिल जाएगा थोड़ा पेट क्वालिटी में और भी कम में भी मिलेगा अच्छा केसीआई पपी मिल जाएगा आपके पास केसीआई हाँ केसीआई मिलेगा केसीआई मिल जाएगा तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हाँ हाँ केसीआई पेपर वो वगैरह मिलेगा तो उसका रेट ज़्यादा ज़्यादा होगा क्वालिटी देखिए इसका और इसका फार भी देखिए कैसा है ये ग्रूमिंग किया हुआ है ठीक है तो इसका ग्रूमिंग करना ही पड़ेगा सिज्जू जो लेगा साल में दो बार ग्रूमिंग करना पड़ेगा ही पड़ेगा नहीं तो आप ये फार नहीं रख सकते पूरा नष्ट हो जाएगा इसका फार अच्छा ठीक दोस्तों सिज्जू देखिए कितना शानदार है तो लड़कियों को ज़्यादा पसंद होता है सिज्जू तो आप लोगों को अगर चाहिए तो इसका पपी तो भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं पपी मिल जाएगा आप लोगों को कैंडिया कैंडी एदिगे 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 देखुन दाढ़ी से देखुन दाढ़ानोटा देखुन अब ये वाला भी गोल्डन रिट्रीवर है ये फीमेल है इसका नाम चौको है चौको इसका नाम चौको है तो इसका अभी पप्पी अवेलेबल है पप्पी का उम्र है 29 डेज 45 डेज नहीं होगा तो हम नहीं सेल करेगा
ठीक है, इसका उम्र है 2.5 साल। तो ये फर्स्ट टाइम मदर हुआ है, पाँच गो हुआ है, थ्री मेल है, टू फीमेल है। उसका पापी इससे भी बहुत बेटर क्वालिटी का होगा, क्योंकि उसका जो फादर है वो सो क्वालिटी का है, ये भी सो क्वालिटी का है, लेकिन वो डायरेक्ट इंपोर्ट का है। ठीक है, तो इसका एंगुलेशन देखिए कैसा है, देखिए इसका बेबी हुआ है तो पप्पी हुआ है, उसीलिए इसका मोल्टिंग हो रहा है, उसीलिए इसका कोट और जो फार है थोड़ा सा कम दिखा रहा है। ठीक है, तो भी अभी भी जो है बहुत है। ये गोल्डन रिटीवर का जो हम दिखाया ऊपर में, उसका सब बेबी हुआ है, अभी 29 डेज है। ये पप्पी हम सेल करेगा, ठीक है, जो आदमी लेगा बहुत जल्द कॉन्टेक्ट कीजिएगा। प्राइस कितना है इसका? इसका मेल 18 और फीमेल 16-17 में हम दे देगा। अच्छा, मेल 18 फीमेल 16-17। हाँ हाँ हाँ, 16-17 में हम दे देगा। रेट देखिए, हाँ, ये स्मार्क का सॉन्स का लड़का है, स्मार्क वो इंपोर्ट लाइन का है, मतलब इसका ग्रैंडफादर स्मार्क है। इसका पेपर भी हो सकता है? नहीं, हाँ, इसका पेपर अभी तो फीमेल का, मेरा फीमेल का पेपर नहीं है, इसीलिए तो हम पेपर नहीं दे सकते, लेकिन जो पेपर बोलेगा ना, जो हाँ हम पेपर दे देगा, हम बोलेगा नहीं देगा, क्योंकि तो जालियाती पेपर होगा ना, फीमेल का पेपर नहीं है तो हम कैसे पेपर देगा। वो पेपर जो हम आप हमको बोलेगा जो हाँ पेपर होगा, हम आपको बोल दे हाँ पेपर हो जाएगा, 2-3 महीना हमको टाइम दीजिए पेपर हो जाएगा, लेकिन वो पेपर तो सही नहीं है ना। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ का पूरा कलेक्शन दिखा दिया, आशा करता हूँ आप लोगों का अच्छा लगा। और यहाँ का जो डॉग है एकदम फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं, देख सकते हैं कैसे बैठा है। तो यहाँ बहुत सारा पपी है, वो पपी आप लोग अगर चाहते हैं तो भैया को कॉल कर सकते हैं, और भैया ट्रीटमेंट भी करते हैं, बहुत दिनों का ट्रीटमेंट का तजुर्बा है, तो उसके लिए आप और एक बार भैया से नंबर मांग लेंगे। भैया और एक बार नंबर दे दीजिए, 8910757520। इस नंबर पर कॉल करके आप लोग पपी बुकिंग कर सकते हैं और ट्रीटमेंट के लिए भैया को बुला सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का जो कलेक्शन है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए, और चैनल में जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए गुड बाय।